हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द द क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज दी गई दैट इज माइनस फिफ्टी वन किलो कैलोरी पर मोल द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फोर वन फोर साइक्लो हेक्सा डाइन एंड साइक्लो हेक्सिन माइनस फिफ्टी एट एंड माइनस ट्वेंटी नाइन किलो कैलोरी परमोल देन वॉट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन तो हमें कैलकुलेट करनी है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन की तो यहां पर एंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन की कितनी दी गई वो लिख लेते हैं फॉर बेंजीन एंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज गिवन दैट इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी वन किलो मोल और यहां पर हीट ऑफ दैट इज हंथल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दिए गए साइक्लोहेक्सीन की तो इसको अगर हाइड्रोजन एक मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करे ये कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन की तरह और इसको साइक्लोहेक्सा वन फोर डाइन को टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में ट्रीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन पे तो इसकी डेल्टा एच वैल्यू दी गई माइनस ट्वेंटी नाइन और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू दी गई माइनस फिफ्टी एट तो यहां पर हमें कैलकुलेट करनी थी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन उससे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करते हैं तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्स होते हैं थ्री थ्री इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन तो यहाँ पर हमें दो साइक्लोहेक्सेन मिले हैं तो इसको अगर H1 मानकर चले इसको H2 मानकर चले तो हमारी फॉर्मूला रेसोनेंस एनर्जी की होगी थ्री इंटू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन तो थ्री इंटू एच टू कितनी यहाँ पर एच टू है एच टू दिस माइनस ट्वेंटी होगी फिफ्टी वन तो, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से थर्टी सिक्स किलो कैलरी पर मोल तो रेजिनेस एनर्जी ऑफ पेंसिन विल बी थर्टी सिक्स किलो कैलरी पर मोल ऑप्शन बी यूज द करेक्ट एंसर आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल All the best.